और नंबर 8 पर है वो दो लोग जो जब मुंह खोले लगाते हैं सबके भेजे का भोग, सोनम कपूर एंड आरजीवी। यस, ये है बॉलीवुड के वो दो स्टार्स जो हर वक्त रेडी रखते हैं बातों की तलवार, बड़ी तेज है इनके बड़े बोलों की धार, छोटे बड़े हर किसी पर करते रहते हैं ये वार पे वार। रामू जी की नजरें जब आरजीवी की आग जैसी मूवीज और विवेक ओबरॉय की रक्त चरित्राना मूछों पर नहीं होती तो नजर होती है करण जौहर की मूवीज के ऊपर। और जैसे सिर्फ केजो की मूवीज ही काफी नहीं रही, आरजीवी अपने खासम खास सरकार यानी कि बेग बे पर भी प्यार भरी गालियां ऐसा बरसाते हैं जैसे सीरियल्स में आकाश से पुष्प वर्षा हुआ करती थी। और अगर इसके बाद बातें की जाए अनिल पुत्री सोनम की तो ये पुष्प वर्षा नहीं अग्निवर्षा की शौकीन है। अमां मुंह खुला नहीं कि शुरू हो जाती है सबकी बखिया उधड़ना। रणबीर इज अनसेक्सी, रणबीर को स्टाइलिश चाहिए, इमरान इज नॉट माय टाइप, अबे दियोल की अपब्रिंगिंग बराबर नहीं है, ऐश्वर्या राय आंटी है, शोभा डे फॉसिल है, दीपिका सिर्फ कमर्शियल मूवीज करती है, मेरे मुंह में सिल्वर स्पून है, ब्ला 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 ब्ला। और बकर बकर बकर। अब यूकी सोचने वाली बात यह है कि ये दो आग भरी बातें करके दुनिया को जलाने वाले बंदे भड़कू आरजीवी और आग लगाओ सोनम एक साथ बना ले ड्रीम टीम तो इससे दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, एक तो दोनों को साथ में रखने से इनकी गर्मा गर्म बातों को फ्यूल के रूप में यूज करके खाना पकाया जा सकता है। दूसरा ये कि ये दोनों एक साथ आए तो एक दूसरे के साथ बकर 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 करके अपनी सारे बातें वेस्ट कर डालेंगी। इससे होगा ये कि दुनिया वाले इन दोनों के बड़े बोलों से भी बच जाएंगे और ये दोनों फिल्में भी नहीं कर पाएंगे जिससे लोगों के पैसे भी बचेंगे। यस। तीसरा फायदा ये कि इनकी बातों को रिकॉर्ड करके कान के डॉक्टर्स लोगों के कान साफ सकते हैं। वाओ, इंसान दो और फायदे तीन, तभी तो सोनम और आरजीवी अंकल बना सकते हैं एक ड्रीम टीम। और आ गए हमारे काउंटडाउन नंबर 8 पर।